गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, राधे राधे। आई होप सब बढ़िया होंगे। इसी के साथ चलिए अपने नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। आज 4 जुलाई, अभी 9:30 बजा है और ये आद्या मेरे पीछे पीछे आ जाती है। सबसे पहले तो आद्या से, आडू जहाँ मैं रहती हूँ ना, ये लड़की वहीं आ जाती है और देखो गेट बंद कर रही है। जैसे हम गेट बंद कर देते हैं, स्टॉपर लगा है तो गेट बंद कहाँ से होगा। आडू नहीं बंद होगा बेटा, आपसे नहीं बंद होगा आपसे। ये मम्मा के भी, चलिए चलते हैं अपनी किचन की ओर। ये बॉटल डली है, अथर वादा कुछ ना कुछ फेंकते रहते हैं इनके सामान, कुछ ना कुछ। देखो डब्बा ला के किचन से फेंक दिया ये मेरा। ये मेरी चाय बन गई है, थोड़ी चाय बनाई मैंने, जरा सी चाय है। गर्मी है बहुत ज़्यादा, चाय पीने का मन नहीं है। ये मैंने राजमा और खड़ी काली दाल डाली हुई है, आज मैं दाल मखनी बनाऊंगी। लगभग इसमें 2 चम्मच बराबर राजमा है, आधी कटोरी उड़द की दाल है, खड़ी वाली उड़द की दाल। अब देखो मैं इसको कुकर में रख दूंगी लगभग 6-7 सीटी बोलने के लिए, धीमी आंच पे पक जाएंगी। फिर इसके बाद मैं इसको बनाऊंगी, मतलब फ्राई करूंगी दाल को। देखते हैं फिर तड़का कैसे लगाऊंगी, मैं अभी आपको बताऊंगी इसकी रेसिपी। 10 बज चुके हैं अभी सुबह के और मैं अपनी किचन में आ गई हूँ। ये मैंने दाल को, राजमा जो फुलाए थे उनको कुकर में ऐसे बॉयल कर लिया है, 6 सीटी लगाई है मैंने इसमें। ये मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, गैस ऑन कर ली है। मैं इसमें सबसे पहले डालूंगी 2 चम्मच तेल। ये मैंने लगभग 2 चम्मच तेल डाल दिया। मैं इसमें सबसे पहले डालूंगी साबुत जीरा लगभग 1 चम्मच। ये मेरे पास 1 तेज पत्ता है, मैं ये भी डाल दूंगी। तेजपत्ता डालने के बाद मैं इसमें डालूंगी प्याज। ये मैंने लगभग 1 प्याज है मीडियम साइज का, इसको ग्राइंडर में पीस लिया है। इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। ये प्याज बढ़िया अच्छा कलर आ जाए प्याज में, हो चुकी है ये, प्याज ने तेल छोड़ दिया है। अब इसमें मैं डालूंगी ये 1 चम्मच कश्मीरी मिर्च पाउडर है, इससे अच्छा कलर आता है दाल में हमारी, और थोड़ा सा हल्दी पाउडर भी। ये भी हम डाल देंगे ना, हमारी दाल में कलर बहुत अच्छा उभर के आएगा। मैंने इसको मिक्स कर दिया। इसको मिक्स करने के बाद हमें बढ़िया से अच्छे से मिक्स करना है हमें इसे। मिक्स करने के बाद मैं इसमें ये अपना टमाटर भी डाल दूंगी। टमाटर भी हम बढ़िया से मिक्स करेंगे। हम टमाटर को बढ़िया तेल छोड़ने तक पका लेंगे इसको, जब तक ये तेल छोड़े हम तब तक इसको पकाएंगे। ये देखिए हमारा मसाला अब अच्छे से हो चुका है, बढ़िया पक गया हमारा मसाला। अब मैं इसमें अपनी दाल डालूंगी। दाल को अच्छे से मिक्स करेंगे। ये इसमें मैं इसमें थोड़ा सा अमचूर पाउडर लिया है, बिल्कुल जरा सा है, 1/4 टीस्पून है, ये भी डालूंगी मैं इसमें। अमचूर डालने के बाद मैं इसमें 1 चम्मच ऊपर से धनिया पाउडर डालूंगी, 1/6 टीस्पून है मेरा ये धनिया पाउडर। ऐसे मसाले ऊपर से ही अच्छे लगते हैं, ज़्यादा भुने हुए मसाले में उतना टेस्ट नहीं आता। हम इसको मिक्स करेंगे बढ़िया से। अब मैं इसमें ये थोड़ा सा काली मिर्च भी डालूंगी लगभग 1/4 टीस्पून काली मिर्च, और थोड़ा सा जीरा पाउडर भी डालूंगी 1/2 टीस्पून। बस हम इसको अच्छे से मिक्स करके और बढ़िया से पकाएंगे। अब मैं इसमें बटर भी डालूंगी, अब ये बटर जाएगा। ये मैंने लगभग 1 टीस्पून बटर है ये डाल दिया। अभी हमने पहले डाला हुआ है ना, उसके अकॉर्डिंग हम थोड़ा सा डाल देंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, आप समझ लेना, क्योंकि हमने पहले इसमें नमक डाला हुआ है। मैं इसमें अब डालूंगी थोड़ी सी कसूरी मेथी, ये कसूरी मेथी मैं क्रश करके डालूंगी।
कसूरी मेथी का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसमें, बहुत अच्छा फ्लेवर। मैंने गैस को अपनी स्लो कर लिया है, अब मैं इसमें बट वो डालूंगी, मलाई डालूंगी। ये मेरे पास दूध की मलाई मैं निकाल लेती हूँ, वही मेरे पास रहती है, मैं वही यूज़ करती हूँ अपनी सब्जियों में। ये मलाई है, फुल टी स्पून है, ज़्यादा ही है। ये मैंने डाल दी और मैंने आज स्लो कर दिया। स्लो करने से ये रहता है कि मलाई हमारी फटती नहीं है। ये मेरी दाल मखनी बढ़िया, थोड़ी हम इसको 5 मिनट तक कवर करके पकाएंगे, ये अच्छे से कढ़ जाएगी। कहते हैं दाल मखनी कढ़े तब अच्छी लगती है। ये मैंने कवर कर दिया, आद्या भी जग गई, मैं आद्या को देख लूं। आद्या क्या, ये मेरी दाल मखनी देखिए कितनी मखनी मखनी सी लग रही है। ये दाल मखनी मेरी पक चुकी है, अब मैं गैस को ऑफ कर दूंगी। ये मेरी दाल मखनी और लच्छा पराठा रेडी हो गए हैं। टेम्पटिंग लग रहे हैं ना देखने में। देखो आद्या अथर लैपटॉप के लिए फाइटिंग कर रहे हैं, आद्या नहीं दे रही है अथर को लैपटॉप, नहीं देना चाह रही बिल्कुल, पता नहीं लैपटॉप को क्या करेगी। देखो आद्या मैडम को पूरी बिक्स बुक्स वगैरह फैला के चली आ रही हैं, आगे खड़ी हो गई। बुक्स क्यों फैलाई आडू? अभी अभी हमने चाय पी ली है, हम चाय पी चुके हैं और हाँ अब मैं जा रही हूँ पढ़ने, क्योंकि यूपी में वैकेंसी आ रही है, लगभग 1 लाख वैकेंसी आ रही है यूपी में शिक्षा विभाग में। गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि इस साल वो 1 लाख वैकेंसी ज़रूर फुलफिल करेंगे शिक्षा विभाग में, क्योंकि चुनाव है तो उन्हें ये तो करना ही पड़ेगा अगले साल चुनाव में आने के लिए। तो मेरा तो यूपी टेट, जिसको यूपी टेट, यूपी में यूपी टेट और सुपर टेट के नाम से जानते हैं, अब वहाँ पे 2 पेपर होते हैं यूपी टेट और सुपर टेट। मेरा यूपी टेट तो क्लियर है, 3 टाइम्स क्लियर है एक्चुअली मेरा यूपी टेट, मैंने जितने बार दिया उतने बार मैंने क्रॉस कर लिया एग्जाम। बट मैं सुपर टेट नहीं क्लियर कर पाई, सुपर टेट में मेरा 1 नंबर कम है, 1 नंबर से मैं सुपर टेट क्लियर रह गई थी, नहीं तो शायद मेरा हो जाता। बट कह रहे थे कि मेरिट बहुत हाई गई है, 95 वालों तक मेरिट मतलब गई थी, उठी थी मेरिट, तो इस साल तो मेरे को सुपर टेट क्लियर करना है, 1 सीट अपने लिए लेनी ज़रूर है, तो मेरे को पढ़ाई करनी पड़ेगी इसके लिए। सो मैं जा रही हूँ अब पढ़ाई करने, शाम के अभी 6:30 बजा है, 6:30 बजा है, तो मैं लगभग 1-1.5 घंटे तो पढ़ लूँगी। अथर्वाद्य पापा के साथ खेल रहे, आद्या तो यहाँ पे आ गई है मेरे पास फिर से, ये तो खेलती रहती है, अथर भी परेशान करता है। चलिए फिर मिलते हैं कल एक अच्छे से ब्लॉग के साथ में। प्लीज़ मेरे ब्लॉग को लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करिएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ओके बाय बाय, कल मिलेंगे एक अच्छे से ब्लॉग के साथ में। आद्या आ गई हैं, आद्या तो ऐसे आ जाती है, आद्या आ गई है, आद्या आ गई है, आद्या आ गई पसीने में गुच्चू गुच्चू करके, पता नहीं कहाँ कहाँ खेलती रहती है ना। बाय 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 बाय, बोलो बाय 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 बाय, नहीं बोलना है, बाय नहीं बोलना है, हाँ चल बाय बाय, कल मिलेंगे एक अच्छे से ब्लॉग के साथ में।